की वीडियो में हम सीखेंगे टाइमर क्या होती है और टाइमर को यूज कहाँ करते हैं और इसका सेटिंग के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको टर्मिनल दिख रहा है, तो थोड़ी सी हम टर्मिनल के बारे में समझ लेते हैं। तो इसके पीछे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, तो इस डायग्राम के अनुसार हम यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A1 और A2 लिखा हुआ है। A1 A2 जो होता है हमारा कॉइल वोल्टेज होती है। कॉइल वोल्टेज यानी कि जो हम इस टाइमर को ऑन होने के लिए फेस और न्यूट्रल देंगे उसे हम कॉइल वोल्टेज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको A1 और A2 दिख रहा है, तो इस टर्मिनल में हम A1 और यहाँ पर A2, यहाँ पे हम न्यूट्रल और फेस को दे देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 नंबर कॉमन है। कॉमन हम उसे कहते हैं जैसे कि यहाँ पे फेस और न्यूट्रल हम लगाए हैं, तो फेस को लूप करके यहाँ से एक वायर को हम 15 नंबर में जोड़ देंगे यहाँ पर। तो 15 नंबर में जोड़ेंगे तो यही सप्लाई हमारा NO और NC में आउट करता है। ऑन डेली टाइमर है, तो ऑन डेली का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारा टाइमर ऑन होगा तो ये हमारा 16 नंबर से सप्लाई देगा, और जैसे ही हमारा टाइमर टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा जितना टाइम हम सेट किए रहेंगे, तो ये हमारा 18 नंबर से आएगा यानी कि NO टर्मिनल से। ये हमारा 16 नंबर NC है और 16 के साथ हमारा 18 नंबर NO है, 15 नंबर हमारा कॉमन हो गया। यानी कि जब हम इसको A1 और A2 को न्यूट्रल और फेस देंगे और फेस को लूप करके 15 में दे देंगे यानी कि कॉमन में, तो जितना टाइम तक सेट किए रहेंगे उतना टाइम तक हमारा यहाँ पर 16 नंबर से आउट करेगा, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा टाइमिंग तो ये हमारा 18 नंबर से आउट करने लगेगा। यानी कि जैसे ही हमारा टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा तो 18 से आएगा, और जैसे ही चालू करेंगे और जितना टाइम सेट किए रहेंगे तो 16 से आएगा। और ये जो हमारा आपको दिख रहा है एक यहाँ पे घुमाने वाला, इसको हम सेट कर देंगे कि हमें कितना टाइम तक सप्लाई चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे सेट कर देंगे कि हमें आधे घंटे तक मोटर चलानी है, तो आधे घंटे पर सेट कर देंगे तो आधे घंटे के बाद हमारा स्टार्टर ये टाइमर बंद कर देगा। तो बंद कर देगा तो हमारा जो पानी ओवरफ्लो होने वाला है वो ओवरफ्लो नहीं होगी। यहाँ पे 220 लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। 230 वोल्टेज AC है, 50 और 60 का फ्रिक्वेंसी है, यानी कि A1 और A2 को हम 230 वोल्टेज देंगे, और इस पर हम 5 एम्पियर का हम रजिस्टिव लोड चला सकते हैं। अगर उससे हैवी लोड है यानी कि बड़ी मोटर है या कोई बड़ी लोड है, तो उसके लिए हमें कॉन्टेक्टर यूज करना पड़ेगा। इससे हम कॉन्टेक्टर को ऑन कराएंगे और कॉन्टेक्टर से हमारी मोटर चलेगी, तो हम चाहे जितना भी लोड चलानी हो उस अकॉर्डिंग हम चला सकते हैं। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद में आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए, और दोनों ही केस में हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।